अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, सब कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं हूँ आपका होस्ट राना बॉबी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी अच्छा है, धूप भी निकली हुई है। आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मोमोसा C5X जो है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल पूरी दूँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि ये अच्छी डिवाइस है और तकरीबन मुझे 1 साल हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, लेकिन मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट लगा, इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ भी ये मैं वीडियो शेयर करूं। तो लिंग कैपेसिटी जो है मेरी इस टाइम बनी हुई है 12 किलोमीटर पे है। डिस्टेंस जो है, जो लिंग कैपेसिटी है वो है 390 के करीब। ठीक है, अभी समझ ले कि मैंने इसकी जो है ना लिंक पूरा स्टेबल भी नहीं किया हुआ कि ऊपर चढ़ के डिवाइस को इधर उधर हिलाऊं। जहां एक बार लिंक सेट किया था 1 साल हो चुका है, वहीं पे ये अटका हुआ है अभी तक। ठीक है, मैंने इसको दोबारा फिर ये नहीं हिलाया। तो हमारा डाटा जो इस वक्त चलता है वो तकरीबन 70-75 के करीब हमारा 12 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे ये डाटा चलता है। और जो हमने टेस्ट किया था इसके ऊपर तकरीबन 200 MB का हमने इस पर टेस्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त चली थी उस टाइम भी डाटा। कोई लिंक डाउन नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, कोई यूज़र की कंप्लेन नहीं आई, तो अच्छा रिज़ल्ट रहा। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई बंदा 12 या 14 किलोमीटर के एरिया में ये डिवाइस लगाना चाहता है तो ये डिवाइस बहुत अच्छी है। UBNT से तकरीबन काफ़ी हद दर्जे बेहतर है ये। ठीक है, UBNT की डिवाइसेस जो है ना वो बहुत महंगी हो चुकी हैं, उससे ये काफ़ी हद दर्जे बेहतर है। ठीक है, बाकी मेरे पास एक और मोमोसा C5C का भी एक्सपीरियंस है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं आपको अपना लिंक दिखा सकता हूँ जो मेरी मोमोसा C5X लगी हुई है, तो कितना डाटा इस टाइम मेरा चलता है। पीक टाइम का भी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा और इस टाइम का भी, डे टाइम का भी डाटा आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर पीक टाइम में भी आपको डाटा दिखाऊं। पीक टाइम में हमारा 70-75-60 के करीब चलता है। तकरीबन हमारे यूज़र हैं इस टाइम 48 यूज़र हैं वो इस डिवाइस पर चल रहे हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ अपना लिंक मोमोसा C5X कितनी हाइट पर लगी हुई है। ये तकरीबन हाइट जो है ना 60 फीट की हाइट पे लगी हुई है, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं भाई, ये लगी हुई है तकरीबन 60 फीट की हाइट पे। इस टाइम ये लगी हुई है मोमोसा C5X। तो ये पोल जो है, इस पोल पे लगाई हुई है मैंने। तो इसका डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि 12 किलोमीटर पे ये चल रही है इस पोल पे। ठीक है, पोल आप देख सकते हैं, ये पोल मैंने खुद बनाया था, तो बहुत ही इजीली और बहुत तकरीबन मुझे सस्ते में पड़ गया था ये पोल मैंने जो तैयार किया है। ये 50 फीट हाइट है इस पोल की, तो ये मैंने खुद तैयार किया था। ये पोल तकरीबन मुझे पड़ा है 50 फीट का, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये में ये मुझे पड़ा है। ठीक है, ये मैंने बाकी जो है ना खुद तैयार किया था। ये कैसे तैयार करना होता है मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा, ताकि आपकी भी जो है ना इस चीज़ में बचत हो जाए। जी दोस्तों, मैं आज अभी आपको जो है ना लिंक दिखाता हूँ अपना, जो इस टाइम मेरा डाटा चलता है वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, वो मैं डिवाइस ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने डिवाइस जो है ना ऑलरेडी ओपन की हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका लिंक कैपेसिटी जो है वो है 390 के करीब। डाउनलोडिंग और आप अपलोडिंग दोनों सेम है। सिग्नल भी आप देख सकते हैं आपके सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिंक दिखाता हूँ कि कितना डाटा जो है इस टाइम चल रहा है। ये डाटा मेरा इस टाइम चल रहा है। ठीक है, दोनों डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों सेम हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी 47-60 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है और 80 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है। ठीक है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मैंने आपको शो कर दी। अभी तक मैंने जो आपको बताया कि मैंने लिंक इसका सही स्टेबल नहीं किया हुआ, अगर मैं ऊपर चढ़ के इसका लिंक स्टेबल करूँ, हो सकता है सिग्नल कम हो जाए, डाटा कैपेसिटी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बाकी मैं आपको इंशाल्लाह पीक टाइम का भी जो है ना वो रिकॉर्ड जो है ना वो भी इसी वीडियो में आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिएगा, शाम को इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। अल्लाह हाफिज़।